नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रामा यादव और आप देख रहे हैं भोजपुरी वन चैनल। हालांकि मैंने आपको पिछले कुछ दिनों पहले ही आपको मैंने बताया था कि ऑडिशन का बताया हुआ था मैं, तो उसी ऑडिशन पे मैं अभी आ चुका हूं क्योंकि आप लोग भी यहां आ चुके होंगे। तो फिर मैंने भी कहा कि भाई समय है, तो चलिए उस ऑडिशन पे चलता हूं। और मैं आ चुका हूं ये यहां आदर्श नगर के इस जगह पे जहां पे ऑडिशन हो रहा है। तो मैंने सोचा चलो यार मैं भी आज ऑडिशन दे ही दूँ, और मैं यहाँ के आईके स्टूडियो के अंदर ऑडिशन देने के लिए आया। ये देखिए आपको फॉर्म दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये फॉर्म है और ये इस तरह का जो है फॉर्म भरने के लिए कहा गया है मुझे, तो मैं ये फॉर्म को भर देता हूँ। और आप लोगों के लिए बता देता हूँ कि ऑडिशन कैसे होते हैं। ऐसे बहुत सारे आप लोगों ने सवाल पूछे हैं मुझे कि ऑडिशन कैसे होते हैं, तो ऑडिशन के मुझे जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे प्रिंट शूट जो है और जो स्टिल शूट है या पोर्टफोलियो शूट इस तरह का ऑडिशन चल रहा है। तो मैंने कहा चलो भाई चलते हैं एक बार और देखते हैं कि किस प्रकार से होता है। तो ये जो है ऑडिशन का मैंने यहाँ पे फॉर्म, हालांकि मैं भर दूंगा अभी कुछ देर, तो आगे चलता हूँ। और ये देखिए ये ऑडिशन का पूरा माहौल है, हालांकि बहुत सारे लोग अंदर फोटो खिंचा रहे थे, चले गए। जब सब लोग चले गए तो मैंने कहा कि चलो जब चले जाएंगे तो फिर मैं ये वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को शांति से इस वीडियो को देखने का मौका मिले। तो ये काउंटर पे से मैं अब आगे जा रहा हूँ अंदर, और जो है ये ऑडिशन की जो तैयारी जो है चल रही है यहाँ पे। हालांकि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑडिशन दे के चले गए हुए हैं, और अभी जो है त्रियास जी जो है यहाँ पे है और ये अपना जो है कैमरा सेट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है देख रहे हैं आप इस तरह की लाइटें लगी हैं, और ये किस प्रकार का यहाँ पे ऑडिशन हो रहा था और कैसे ये चल रहा था यहाँ पे, ये देखिए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मेरा भी जो है ऑडिशन, मैंने कहा आपको कि मैं भी ऑडिशन दे रहा हूँ क्योंकि यार आप लोग भी बहुत बोलते हो कि कुछ करो। तो ये देखिए ये मेरे नाम का जो है बोर्ड बनाया हुआ है, तो यानी मैं भी आज जो है ऑडिशन दे सकता हूँ। और प्रिंट शूट आप बता रहे हो, ये देखिए प्रिंट शूट चल रहा है इस तरह से जो चल रहा है। ये जो है मॉडल नहीं, आप भी यहाँ के जब इस यहाँ पर पहुँचेंगे तो एक मॉडल ही बन जाएंगे। और इसका होगा क्या, बहुत सारे सवाल आप लोगों के हैं, तो चलिए त्रियास से ही पूछते हैं भाई कि आज क्या ये पूरा ऑडिशन किस तरह से चला और किस तरह से गया। तो त्रियास जी आज मेरे साथ में हैं। हाय गाइस, इनका जो काम है ये तो कैमरे से, ये जो आज ऑडिशन जो है इन्होंने लिया ही लिया है, साथ में ये डायरेक्शन डिपार्टमेंट में भी है, क्योंकि इसके बाद आपके फ़ोटो का क्या होगा, ये किसी कचरे के डब्बे में नहीं जाने वाले दोस्तों फ़ोटो, ये फ़ोटो यूज़ होंगे, कहाँ कहाँ यूज़ होंगे, कैसे यूज़ होंगे, ये किस लिए ये ऑडिशन रखा गया है और ऑडिशन कितने प्रकार के होते मैं इनसे जानूंगा। तो चलिए बैठते हैं हम लोग बातचीत करते हैं। तो ये लाइट बंद करते हैं या किस प्रकार से, नहीं चले दीजिए क्योंकि ऑडिशन चल रहा है। हाँ तो ये देखिए, सो बेसिकली आज हम लोग ने जो अपना ये फोटोशूट रखा है जी, ये हमने रखा था, हमारे पास कुछ कैटलॉग के ऑप्शंस हैं, कुछ कंपनीज के लिए हम कैटलॉग शूट करते हैं जी। सो बेसिकली आज का जो हमारा ये फोटोशूट था, ये कुछ अपकमिंग मॉडल्स हैं जो न्यू कमर्स हैं जो मॉडलिंग के फील्ड में आना चाहते हैं, हमने उनका पोर्टफोलियो शूट के लिए इसको रखा था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जिनके पास उनका पोर्टफोलियो नहीं होता है। सो हमने ये एक छोटा सा ऑडिशन रखा विदाउट एनी फीस। ये ऑडिशन के नाम पर तो मुझे दो चीज़ें याद आती हैं, मैं भी यहाँ पर आया तो पता चला कि भाई यहाँ पर कोई स्क्रिप्ट नहीं है जी, ना कोई डायलॉग है, कुछ नहीं है, बस आप लोगों ने यहाँ पर बोला भाई ये कैमरा है और आपकी फोटो खींचनी है। तो कितने प्रकार के ऑडिशन होते हैं? ऑडिशंस दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका जो हम वीडियो के लिए करते हैं, और दूसरा होता है जो हम स्टिल शूट करते हैं, जो बेसिकली कैटलॉग शूट्स और मॉडल्स के लिए होता है, जो हम रैंप वॉक में या जितने भी कैटलॉग शूट्स आते हैं। तो आपने जो आज फोटो खींचा है ये कैटलॉग का है? ये कैटलॉग से रिलेटेड है। तो ये कैटलॉग मतलब कैसे, कैटलॉग मतलब अभी देखो हमारे बड़े यूपी बिहार के लोग हैं जी जी, कैटलॉग मतलब समझ नहीं पा रहे हैं जी, मैं बताता हूँ। हाँ। आपको आपने देखा होगा कि बहुत सारे वेबसाइट्स हैं यहाँ पे, लाइक फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, सो दे आर एन नंबर ऑफ वेबसाइट्स जिनमें आपने देखा होगा कि लोग टी शर्ट्स के साथ मॉडल वॉक करते हैं, सो उन्हीं का एक प्रिंट भी आता है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने प्रोडक्ट्स का एक कैटलॉग बनवाती हैं, कैटलॉग इज द बुकलेट जिसमें उनके प्रोडक्ट मॉडल्स के साथ। अच्छा, तो ये बेसिक सी बात करेंगे, जब आप बाजार में कपड़ा लेने जाते हैं तो उसी कपड़े को पहने हुए कोई लड़का का फोटो भी देखते हैं, उस कपड़े के ऊपर जो फोटो होता है और आपको पता चल जाता है कि भाई ये कपड़ा शर्ट पैंट या साड़ी
बड़ी अच्छी लग रही है, तो ये उसके लिए वो फोटोशूट होता है? वो फोटोशूट होता है, अच्छा। प्रॉपर फोटोशूट सेटअप्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही वो चीजें आती हैं, तब वो मार्केट में आती हैं, और जब आप उसको देखते हैं तो आपको एक आइडिया होता है कि ये कपड़ा हम पे अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा कि नहीं। एग्जैक्टली। तो एटलीस्ट आज कितने लोग यहाँ पे आ चुके हैं आपके? लगभग हमारे 70 से 80 लोगों का ऑडिशन हमने आज लिए हैं। तो ये 70 से 80 जन को फिर आगे का क्या भविष्य है, क्योंकि आपने अभी सबके पास रख लिया? तो अच्छा, दूसरी चीज ये भाई, ये बहुत अभी क्या सोच रहे हैं कि कुछ आज कुछ पैसा वैसा भी लगा क्या फॉर्म का? इट्स टोटली फ्री, ठीक है, हम कोई चार्ज। दोस्तों सुन लिया आपने, आप लोगों को सच्चाई बता रहा हूँ कि भाई ऑडिशन का कोई कितने सबके आपने बराबर फोटो खींचे हैं सबके, जी, तो जी, फ्री में खींचे सबके, सबके फ्री में है। और ऑडिशन ही फ्री था, ये ऑडिशन ही फ्री था, एंड ऑडिशंस का कभी भी कोई पैसा नहीं होता। जी देखो दोस्तों, इन्होंने सच बात बता दी, ऑडिशन का पैसा नहीं होता है। हालांकि कभी कभी हो जाता है, कभी कभी कितना होता होगा, ज्यादा तक अगर ऑडिशन करें फॉर्म का भी भरते होंगे तो 100-200। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आई मस्ट टेल यू, अगर कोई भी आपसे फॉर्म के पैसे ले रहा है या इस तरीके की चीजें कर रहा है, तो आपको वहां से कुछ काम नहीं मिलने वाला है, बिकॉज आप जिस चीज के लिए आ रहे हो ना, वो आपको काम प्रोवाइड कराएंगे। अगर वो आपसे खुद ही पैसे ले रहे हैं, जो आपसे खुद पैसे ले रहा हो और फॉर्म साइन करा करके आपकी फोटोज खींचेगा, तो उससे कोई मतलब नहीं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने हर बार ये बात को कहा है कि कहीं पे भी काम लेने के लिए पैसे मत डालना, और ये भी वही आज बता रहे हैं आपको कि देखो यहाँ ईमानदारी से आपकी फ़ोटो ली जाएगी, कैटलॉग शूट किया जा रहा है, आपको दिखाया जा रहा है, क्योंकि आप वो जाके आ गया। चलिए, मैंने ये भी सुना है कि आप डायरेक्शन में हैं और वेब सीरीज़ भी बना रहे हैं, उसका जरा एक आपका चैनल का नाम बताइए जहाँ पर वेब सीरीज़ देख सकते हैं। या हमारा चैनल इंडी फिल्म चैनल के नाम से है, ठीक है, मी एंड माई फ्रेंड विकी खानपुर इज टेकिंग केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर चैनल, एंड ही इज़ बेसिकली इन द डायरेक्शन। एंड हमारी जो एक शॉर्ट फिल्म है जो हम लोगों ने आज से लगभग 3 साल पहले डाली थी, उसका नाम है प्राइस। और आपको बताते हुए बड़ी खुशी भी हो रही है मुझे कि फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स वी आर ऑन टॉप इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट फिल्म मेकिंग, एंड वी गॉट 45 मिलियन व्यूज। ओहो, बहुत कमाल की बात है। तो यानी ये जो लड़के आज जो फोटो खींच के गए हैं, जो आपने ऑडियो यहाँ पे जो ऑडिशन लिया है, तो इसको कहीं आपकी फिल्म में चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? डेफिनेटली, अगर हमारा कोई भी, देखिए ये तो पॉसिबल नहीं होता है कि हम सारे 70 के 70 लोगों को, या कल भी हमारा ऑडिशन है यहाँ पे, तो जितने लोग आएंगे सबको हम एक ही वेब सीरीज में यूज़ कर लेंगे। बट हाँ, जब हमारे पास प्रोफाइल्स होती हैं तो हम उन प्रोफाइल्स के साथ जो भी कैरेक्टर्स हम विजुलाइज करते हैं, हम उन उस कैरेक्टर में कौन फिट बैठता है उसके अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन करते हैं। जी, तो हम उसी के सिलेक्शन के अकॉर्डिंग ही उनको बुलाते हैं और देंगे। जी, तो ये एक चीज़ इनका जो है बात एकदम साफ हो गई है कि ये जो आज ऑडिशन हुआ है, ये बिल्कुल उसी तरह होता है कि इन्होंने पेड़ लगाया और उसके बाद जब फल आते हैं ना, तो उस फल को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, तो ये आज जितने भी लोग आए यहाँ पे उनका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि इन्हें भी वो आर्टिस्टों की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर मार्केट के आर्टिस्ट देंगे तो वो इतने पैसे मांगेंगे, साथ में उनका समय नहीं होता है। सर, बात पैसे वाली नहीं है, बात यह है कि नाउ अ टाइम इज़ लाइक कि इंडस्ट्री चेंज हो रही है। ओके, और हर मतलब मैं भी नेट पे देखता हूँ, आप अगर आज देख रहे होंगे तो आजकल नेट पे बहुत सारी वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्म्स चलती हैं, और सब में आप देखोगे तो नए आर्टिस्ट होते हैं। तो दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे नए आर्टिस्ट को मौका मिल सकता है। हाँ। और अगर उसमें भी हम वही पुराने लोगों को तो वैसे भी बड़े लोग यूज कर रहे हैं। हाँ। अभी हम उतने बड़े नहीं बने। हाँ। तो अगर हम लोग भी उन्हीं को ही प्रेफरेंस देते रहेंगे, तो फिर जो नए हैं उनको कब चांस मिलेगा? बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई, क्योंकि देखो दोस्तों, आप लोग क्या सोचते रहते हो कि यार मुझे चांस मिलेगा नहीं, मुझे कौन देखेगा, लेकिन ऐसे जो सोच होती है ना, ये सोच आपको भी चांस दे सकते हैं। चलिए, अब यहाँ फोटो तो खिंचा लिए भाई, अब मैं अपनी फोटो देखूंगा कहाँ से? भाई गुरु, अब मुझे तो बताओ, मैंने भी फोटो खिंचवाया है 2-4, वो कहाँ देखेंगे, कैसे मुझे मिलेगी? नहीं मिलेगी ऑडिशन? मिलेगी, जरूर मिलेगी। हमारा जो स्टूडियो का चैनल है, जो फेसबुक पे है, IK स्टूडियो के नाम से हमारा चैनल है, उस पे हम जितनी भी पिक्चर्स यहाँ पे क्लिक हुई हैं, वो पिक्चर्स हम उसमें अपलोड करेंगे विद द फॉर्म नंबर्स एंड ऑल। उसमें जा करके वो लोग अपनी पिक्चर्स देख सकते हैं, एंड इवन शेयर भी कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको ये पिक्चर अच्छी लगी तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद जो है, अगर उनको लगा कि भाई मुझे पोर्टफोलियो बनाना है, तो क्या बना के दूंगे उन्हें? हाँ, एग्जैक्टली, मतलब इतना बड़ा प्राइस नहीं होगा भाई, उनका पैसे कम ले आप बात। डेफिनेटली, हमने देखिए बेसिकली जो ये चीज़ करी है, वो इसीलिए करी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आज अगर आप मुंबई में एक अच्छे स्टूडियो में जाते हैं और वहाँ से अगर आप पोर्टफोलियो बनवाते हैं, तो दे चार्ज अराउंड 35, 40, 50। भाई वो तो बहुत, वो सुन के डर जाते हैं लोग। एग्जैक्टली, सो व्हाट वी आर प्लानिंग कि हम उनको अराउंड 10,000 के पैकेज में हम उन्हें सिर्फ
पोर्टफोलियो शूट नहीं देंगे स्टिल का, हम उन्हें वीडियो शूट भी देंगे। नहीं, मैं कई लोग ऐसे सवाल पूछते हैं, पोर्टफोलियो बनाना जरूरी है क्या? जरूरी है? हाँ, जरूरी है। क्यों क्यों जरूरी भाई? देखिए, जरूरी इसलिए है कि एक नॉर्मल आर्टिस्ट है, ठीक है, एक मॉडल है, वो कितने शेड्स में जा सकता है, एक्सप्रेशंस कितने शेड्स में जा सकता है, उसके ऊपर कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट वेयर्स हैं जो उसके ऊपर अच्छे हैं, इंडियन हैं, वेस्टर्न हैं, तो वो सारी चीज़ें आप अगर मान लीजिए एक जीन्स और टी शर्ट में आपने एक फ़ोटो भेज दी, लेकिन जहाँ पे फ़ोटो पहुँची है उन्हें मतलब शेरवानी का ऐड करना है, तो वो कैसे सेलेक्ट करेंगे? बिल्कुल यार, बात वही होती है कि आप मुझे बहुत बोलते हो मैं शाहरुख खान जैसा दिखता हूँ, तो आइए कैमरे के सामने आइए, देखते हैं शाहरुख खान लगते हैं ये क्या लगते हैं। और इन चीज़ों को और जस्टिफाई करने के लिए हम 10 जुलाई से अपना एक वर्कशॉप भी यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। वेरी गुड। वर्कशॉप यानी फिल्मों में आने के लिए एक्टिंग वर्कशॉप। एक्टिंग वर्कशॉप, बहुत अच्छी बात है भाई, मुझे तो इतनी मजा, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं इनके वर्कशॉप पे जरूर जाऊंगा। Sure, तो ये भी फ्री रहेगा या उसका भी चार्ज देंगे आप? नहीं, ये चार्जेबल होगा, बिकॉज इसमें जो भी आएंगे एक्टिंग सिखाने के लिए आएंगे वो भी रेनाउंड एक्टर्स में से ही होंगे, और NSD पास आउट हैं, BNA पास आउट हैं, और अगर हम अब किसी से टाइम ले रहे हैं और उनको यूज कर रहे हैं तो ये हमारा भी फर्ज बनता है कि उनके पास कुछ जाना चाहिए। चलिए, तो ये जो जानकारी है दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है जो जहाँ पे जानकारी दी जाती है इसके नीचे जाइएगा, वहाँ पे मैं इनका जो है नंबर और यहाँ की जो इस पूरे स्टूडियो का जो लुक देख रहे हैं जहाँ पे ये शूट हुआ है, स्टूडियो बहुत ही प्यारा है दोस्तों, इसकी वीडियो में आपको इस वीडियो के बाद जो लास्ट में यहाँ की स्टूडियो की जो जानकारी है वो दे दूंगा। अगर आपको लगता है कि स्टूडियो में आना चाहिए तो आप आके फोटो शूट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो हैं आपको क्या कहते हैं सेट मिलेंगे, उसके वीडियो में आप देख लीजिएगा, इसकी जानकारी भी दे दूंगा ताकि आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। इनका भी नंबर दे दूंगा मैं। देखो सर, मैं नंबर आपका दे रहा हूँ, ये लोग बहुत परेशान करेंगे आपको, कोई नहीं, कोई मुझे मत बोलेगा कि भाई आपने नंबर क्यों डाला, क्योंकि एक व्यक्ति ने मुझे कंप्लेन करी दिया कि मैं नंबर डाले आपने मेरा, मैं परेशान हो गया हूँ। तो आपका नंबर दे दूंगा, ये आपको फ़ोन करेंगे और अपने भविष्य की थोड़ी चिंता करेंगे आपसे। मैं चाहूँगा कि मैं प्रीत को भी बुला दूँ कि भाई यहाँ की जो ओनर है बहुत ही स्वीट है वो, प्रीत जी आप आइए हमारे जो है भाई। ये जो पूरा अरेंज था ना, जो ये पूरा जो आज का जो दिन था जो शूट करने का, वो सारा इनका किया हुआ है। हाँ, ये सब इन्हीं का किया हुआ है दोस्तों। इनका भी नंबर मैं डाल दूंगा, क्योंकि ये हमेशा ये स्टूडियो में फोटोशूट, क्रोमा का जो शूट होता है वो, और कई प्रकार के जो है शॉर्ट फिल्म, और सर की जो शॉर्ट फिल्म अभी बहुत सारी बन रही हैं और बनने वाली भी हैं, जिन्हें चैनल पे आप देख सकते हैं, उनका भी लिंक इसके नीचे दे दूंगा। तो इस स्टूडियो से मुझे लगता है कि जो आपको एक आर्टिस्ट को चाहिए होता है, एक कलाकार को चाहिए होता है, वो मिल सकता है, मुझे ऐसी उम्मीद लग रही है, इसलिए मैं यहाँ पर भी आया। और अगर आपको इस स्टूडियो के बारे में, इसके बारे में थोड़ी भी जो भी जानकारी चाहिए, नंबर, पता, एड्रेस और कुछ करने की इच्छा हो, आपको शॉर्ट फिल्म बनवाना भी हो, तो कोई एल्बम वगैरह, मैंने सुना कि आप डांस भी बहुत अच्छा करते हैं भाई, ये डांसर भी हैं, तो एक्चुअली आई हैव स्टार्टेड माय करियर एज अ कोरियोग्राफर। ओके, आई हैव डन मोर देन 150 एल्बम्स एंड ऑल, और आपके भोजपुरी में भी बहुत काम किया है, बेसिकली आई बिलोंग टू लखनऊ जी। तो ये भाई ये बहुत ही एक्टिव है और ये बहुत जानकार है, और जानकारी आपको मिलनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये पूरा जो है आज मैं आपको, मैंने बता दिया स्टूडियो के बारे में और क्या कैसे शूट होता है, कितने प्रकार के ऑडिशन होते हैं, ये भी आप लोगों ने बता दिया है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये हमारा जो वीडियो है, ऑडिशन का वीडियो, बिल्कुल फ्री, टाइटल भी ये डालूंगा, ऑडिशन फ्री में होता है दोस्तों। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, और जो साथ में डिस्क्रिप्शन में जो चैनल दिया है वो भी देख लीजिएगा, उनको भी लाइक कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जो मेरे नए मेहमान हैं उनसे कहूँगा जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना इस चैनल को आप ढूंढते रह जाएंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।